कम्युनिटी पे अभी आगे लाइन बहुत ज्यादा लंबी है अभी यहाँ पे। तो मैं बताओ हम कहाँ जा रहे हैं यार, कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा जो भी व्यू है। तो ये है मेरा रूम, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, इनकी कितनी ज्यादा यहाँ पे लोग डिमांड है। Subscribe to IPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys? IPM Vlogs back and guys, welcome back to another daily vlog. जो आज की वीडियो है ना, it's gonna be again a travel vlog. तो अभी हो चुका है सुबह का टाइम 8:10 एंड अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए पापा मम्मी के साथ में। तो करते हैं आज के व्लॉग को बिना किसी तरीके स्टार्ट, so let's go. Well, so what's up guys? IPM Vlogs back here. एक ये बैग है मेरा और एक जो मेरा हैंड बैग है मैंने रख लिया अपने साथ में। जो लैपटॉप है इस बार मैं साथ में कैरी नहीं कर रहा हूँ, जो कैमरा है मैं कैरी कर रहा हूँ सिर्फ अपना अल्फा 6600 है, साथ में गोप्रो हीरो 9 एंड मोस्टली करूँगा हर ब्लॉग आईफोन से ही शूट। तो चलो भाई लेट्स गो। एंड वैसे जो फ्लाइट है वो तो 11 बजे है एंड इस बार फाइनली टाइम पे निकल रहा हूँ, सो चलो जल्दी से। क्योंकि जो पापा जो मम्मी है ना हमेशा मेरे को वही बोलते हैं कि हमेशा निकला करो टाइम पे, क्योंकि जितना पहले निकलोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमेशा ऊंच पे दौड़ो तो हमेशा टाइम पे पहुँचता हूँ एयरपोर्ट, नहीं तो वैसे भागता भागता पहुँचता, नहीं तो जैसे भोपाल गया था तो आई रीच अराउंड 20 मिनट्स बिफोर द बोर्डिंग, तो वो भी सही था। तो चलो अब तो टैक्सी भी आ गई है, अब चलो। जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 3 से है, टर्मिनल 3 पे अभी आगे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है अभी यहाँ पे डोमेस्टिक डिपार्चर की खासकर, तो भी 1 नंबर गेट से एंट्री करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे यार लाइन बहुत लंबी हो रही है, बट फिर भी थोड़ी बहुत देरी कम लगी है, 10 मिनट लगे हमको लाइन के अंदर। उसके बाद करते हैं चेक इन बैग्स हमारे, आई थिंक जो ये वाला बैग है चेक इन नहीं होगा, एक ये बैग है और एक ये बैग है, तो यही चेक इन करेंगे, बाकी ये तो बैग वर्क नहीं करेंगे। तो ये अभी सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं एंड ये दो जो बैग्स हैं लेके जा रहे हैं हैंड बैगेज की तरफ। A few moments later. So the security check is now complete and इस बार बहुत जल्दी जल्दी हो गया, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस लैपटॉप जो है लाया नहीं हूँ, नहीं तो मुझे लैपटॉप निकाल के रखना होता है। एंड ये रही मम्मा, कैसे मम्मा? तो मम्मा बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? जय माता दी, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो और मम्मा आई थिंक मैं जा रहा हूँ 4th time वैष्णो देवी, राइट? तो चलो अभी हम जा रहे हैं जम्मू, वहाँ से आगे हम आगे जाएंगे कटरा। तो जो फ्लाइट है वो है 11:10 की, तो हमको जो फ्लाइट है वो बोर्ड करी 10:40 पे। अभी वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:10, तो बहुत टाइम है हमारे पास में, लगभग अभी 1.5 घंटा है। तो अभी देखता हूँ, मेरे को तो वैसे अभी भूख लग रही है, चलो अच्छी आगे क्या प्लान है। तो यहाँ से आ रहा है बहुत अच्छा व्यू रनवे का एंड वह खड़ा है एमिरेट्स एंड वहाँ पे है स्विस एयरलाइंस। मेरे को मम्मा अभी दुबई जाने का मन कर गया एमिरेट्स प्लेन देखते ही। एयरपोर्ट पे भी आ गया हूँ मैं स्टारबक्स में और यहाँ पे मैंने अभी ऑर्डर करी है फ्लाइट पर ग्रांडे कॉफ़ी, और यहाँ पे इनका ये मिनी सा मेन्यू है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, इनका जो मेन काउंटर है वो आगे है बट यहाँ पे एक तरह से मिनी काउंटर है फूड कोर्ट में। तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे KFC वगैरह थे सारे हो गए यहाँ से बंद अभी, और यहाँ पे अभी कुछ खाता हूँ बैठ के। तो यार अभी यहाँ पे मेरा एक तरह से ये ब्रेकफास्ट है बिग स्पाइसी पनीर रैप, एक बार से मैं देखो कस्टमाइजेशन क्या है, तो नो अनियन नो चीज़। तो ये है मेरा रैप एंड साथ में कॉफ़ी है फ्लैट वाइट एंड अमेजिंग व्यू प्लेन्स का, सामने रनवे भी है एंड यहाँ से देखो सारे जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट्स। भाई मैंने अभी ऑर्डर कर दिया है फलाफल फलाफल एक्सप्रेस से, तो अभी यही है। और फिर सूर्य भी यहाँ पे महान है, कैमरा इन्होंने बंद करा हुआ है और ये बात करते करते नहा रहे हो ना। एंड देर इज़ वन स्मॉल प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम क्या है बता देता हूँ कि जम्मू में जो मेरा सिम कार्ड है वो है प्रीपेड डेली का, एंड वो वहाँ जाके काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे चलता है पोस्टपेड, या आप अगर खरीदते हो सिम कार्ड वहीं से तो वो भी चल जाता है, तो मेरे को वहाँ जाके सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा। तो लगभग 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के लिए मेरे को कनेक्शन नहीं मिलेंगे, और फिर मैं ले लूँगा सिम कार्ड, उसके बाद सही हो जाएगा, बट अभी ये छोटी सी मेरे को लग रही है दिक्कत। देखते हैं भाई जो भी होगा कर लेंगे मैनेज। तो अभी जो मेरा गेट है वो है 49 गेट की तरफ जा रहा हूँ। आई स्पेंट अराउंड 1.5 आवर्स इन मैकडॉनल्ड्स, बस बैठा रहा एंड बात करता रहा और साथ में जो प्लेन्स हैं उनका व्यू देखता रहा, वो बहुत अच्छा व्यू था। तो जो पहले मेरी सीट थी वो थी 27F, अब मेरी जो सीट है मेरी हो चुकी है 4F, तो मेरे को मिल गई राइट विंडो। एंड एक अच्छी बात और है कि मेरे को मिल गई आगे की ही सीट, तो पापा मम्मी पीछे आ रहे हैं क्योंकि जो पापा मम्मी है वो भी कॉफ़ी पी रहे हैं, मेरे को उन्होंने बोला कि जाओ तुम प्लेन बोर्ड कर लो, तो अभी इतना ज़रा सीट लेता हूँ अपनी जा करके। सो चलो भाई, मेरे को ये लग रहा है जो 2021 है ना ये पूरा साल भाई मेरा ट्रैवलिंग का ही है, दुबई गया, देन मैं भोपाल गया, चेन्नई गया,
कोलकाता गया, मतलब पूरा मेरे को साल ट्रैवलिंग का लग रहा है। अभी से 2 ही महीने हुए हैं और इतना ट्रैवल हो चुका है। तो प्लेन हो गया है बोर्ड, अभी मेरे को मिल गई है विंडो सीट। कुछ ऐसा व्यू है, ये रही मम्मा, ये रहे पापा। चलो जस्टिस नहीं कर रहा जो भी व्यू है यहाँ से, जो व्यू है इतना ज़्यादा बढ़िया है। प्रॉपर जो माउंटेन थे पूरे ढके हुए हैं स्नो आइस के अंदर। एक डाल रहा हूँ फोटो आईफोन से खींच के स्क्रीन के ऊपर, एक बार ज़रा देखो। बाकी नीचे लैंडिंग हो चुकी है स्टार्ट। यार यहाँ पे जो जम्मू है वो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देख रहा है क्रिकेट स्टेडियम, मेरे को पता हो सके कमेंट कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है, मेरे को कुछ आइडिया लग नहीं रहा कौन सा स्टेडियम है। अभी जो यार प्लेन है सेम ये जा रहा है श्रीनगर, यहाँ से 1 घंटे की फ्लाइट वो है। और अब निकलता हूँ जम्मू एयरपोर्ट से बाहर। यहाँ से उतरते ही पहले जो हमारे बोर्डिंग पास इन लोगों ने वो चेक करे थे। तो चलो जम्मू एयरपोर्ट पे आपको मैंडेटरी है कोविड टेस्ट करवाना, बट हम ऑलरेडी करवा के आए थे इसलिए यहाँ से हम जा चुके हैं। एंड अब डायरेक्टली हम जा रहे हैं यहाँ से कटरा जो कि 50 किलोमीटर्स है, तो यहाँ से बाहर से टैक्सी पकड़ते हैं। चलो तो ये है टोल टैक्स। एंड अभी यहाँ से जो कटरा है लगभग वो है 30 किलोमीटर के आसपास, तो 1 घंटा लगता है जम्मू से। एंड जो आधा रास्ता है वो हो चुका है मेरा डर। तो यार ये जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स देखो, और ये पूरा एरिया यहाँ से लोग जाते हैं चल के पैदल वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में। तो वहाँ पे ऊपर मंदिर है पहाड़ के पीछे, और यहाँ पे हेलीपैड भी है। तो अभी हम रुके लेने के लिए सिम कार्ड, क्योंकि मेरे को सिम कार्ड चाहिए, मेरे को थोड़े कॉल भी करने हैं, मेरे को नेट भी चाहिए क्योंकि मेरे को नेट का एक्सेस अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी ये एयरटेल के यहाँ पे आया आउटलेट पे, यहाँ पे जियो का सिम मिल रहा है, तो ये देखते हैं आप अंदर बात कर रहे हैं। तो मेरे को मिल गया सिम कार्ड, ये रहा जो पापा का सिम कार्ड है वो भी एक्टिवेट हो रहा है। तो अभी जो मेरा नेट है वो चल गया है, जैसे मैंने अपने नेट ऑन करा अपने फ़ोन का, मामा इतनी तगड़ी मेरे को आई नोटिफिकेशन, मतलब फ़ोन मेरा हर रिंगर मोड पे और बजने लग गया धड़ 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 धड़। चलो अभी ज़रा फ़ोन पे बात बात करता हूँ, जिन जिन लोगों का मेरे को मैसेज आया हुआ है रिप्लाई करता हूँ फिर, क्योंकि वैसे भी जो मेरा नंबर है ये है मेरा प्राइवेट वाला नंबर। तो जो मेरा वन प्लस को मैं यहाँ पे जान के लेकर आया हूँ, ना कि मैं अपने फोल्ड को लेकर आया हूँ कि यहाँ पे आके जो मेरा नेट है वो तो इसमें चलना नहीं था, क्योंकि उसको मैंने सिम कार्ड नहीं लिया, मैंने सिम कार्ड लिया अपने आईफोन के लिए। तो जो फोल्ड है मैं वो जाके यूज़ करूँगा जब मैं वापस पहुँचाऊँगा दिल्ली, तो तब से यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आ गए हैं जम्मू के फेमस राजमा राइस, मम्मा के भी फेवरेट है ये, और मैं मम्मा बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ मैं राइस। चलो 2 hours later तो अभी होटल में चेक इन कर लिया है। एंड यहाँ पे एक मेन बाजार के नाम से पूरी मार्केट है, जहाँ पे मतलब तरह से बहुत सारे जितने भी आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट सारे जाते ही हैं, तो वहाँ पे भी जाऊँगा। पहले मेरा मेन काम है नहाना, क्योंकि अभी जस्ट फ्लाइट से आया हूँ, तो पहले नहाता हूँ फिर अपने मिलता हूँ। तो ये है मेरा रूम, यहाँ पे 2 हैं सोफे, ये है वॉशरूम एंड बेड, यहाँ पे एक टेबल है। तो बस ये मेरा लगेज बैग आ गया एंड Done. तो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ, मेरे को अभी थोड़ी बहुत भूख, तो एक बार चलते हैं बाहर एंड देखते हैं कि यहाँ की जो मार्केट है वो कैसी है। कुछ ऐसा है मेरा अभी आउटफिट, तो मैं जो टी शर्ट है वो पहन ली है vibism.com की, जो मेरा खुद का ब्रांड है। जो टी शर्ट है इसका नाम है रिफ्लेक्टिव एडिशन टी शर्ट्स, की जो पीछे हैं ये लगे हैं रिफ्लेक्टर्स देख लो, एंड आगे हैं इमोजीज। तो तरह से जो टी शर्ट है ये है बहुत सही प्रिंटेड, तो यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड बाय दिस टी शर्ट। इसका जो लिंक आपको दे दूंगा बिल्कुल टॉप पे नीचे इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब चलते हैं बाहर, सो लेट्स गो। तो यार कुछ ऐसी है ये मार्केट अभी, ये है मेरा होटल, यहाँ पे यार ज्ञानीज है, सागर रत्न है, मोती महल है, डोमिनोज है, फिर तरह से जो पूरा फूड कोर्ट है वो यहीं पे है। एंड ये जो रोड है ये जा रही सीधा हेलीपैड भी, तो करते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर। तो यार और यहाँ जो वेदर है इट्स गुड, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। A few moments later. भाई मेन मार्केट में घूम रहा हूँ, अभी तक कुछ खाने के लिए मिला नहीं है। ऑल दो मैंने अभी यहाँ पे पिया एक बादाम का दूध, वो सही था, बट अभी जो रेस्टोरेंट है मनोरंजन वो ओपन होगा 7 बजे, और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 6:35, तो 25 मिनट अभी बचे हुए हैं, उसके बाद दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा होता है फूड, मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। इतना मैंने थोड़ी वॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे बैट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जम्मू में बैट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मुझे याद है कि जब हमेशा आता था मैं यहाँ पे, तो हमेशा लेके आता था बैट, तो ये चीज़ आपसे होता था कि शेयर कर दूँ कि यहाँ पे बैट्स अच्छे क्वालिटी में मिलते हैं और प्राइस भी इनका अच्छा होता है यहाँ पे, है ना भाई। तो ये मेरे को वीडियो का भी समझा रहे हैं पूरा अभी। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट फेमस ये है मनोरंजन, यहाँ पे मैंने दाल पनीर और ये लच्छा परांठा लिया है, और ये यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। मेरे को सब लोगों ने कहा था कि भाई यहीं पे जाना खाने के लिए, तो अभी यहाँ पे मैंने मेरी वेटिंग करी 15 मिनट की, यहाँ पे वेटिंग करी थी एंड टाइम हो चुका है 7:15, और अभी मैं खा रहा हूँ ये वाला फूड, देखते हैं कैसा होता है स्टोरी। फॉलो कर सकते हैं, क्या कर रहा हूँ
बहुत ही बोल दिया और अगर समझ आ गया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। ऐसे ही बोलता हूँ। फूड है उसको टाइम आ गया करने का रिव्यू। जो दाल है इसमें बटर बहुत आ रहा है पहली बात तो। दाल में कुछ हो सकता था बेटर, द टेस्ट इज़ गुड, क्योंकि जो फूड है पूरा ये है विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक पहली बात तो। एंड बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है उसके लिए सॉरी। जो पनीर है ये मुझे लगा बहुत बढ़िया, बट दाल में बटर बहुत आ रहा है, जो अच्छा बनाना था इट्स गुड। तो जो प्लेस है इसको आई वुड रेट 6 out of 10। या जस्ट हैव अ लुक एट दिस, इनकी कितनी ज़्यादा यहाँ पे लोग डिमांड है परांठों की एंड साथ में सब्जियों की। इनके जो फेमस है वो है पालक पनीर दैन दाल मखनी एंड दिस पनीर भुर्जी। तो यार बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, जस्ट लोग यहाँ पे वेटिंग चल रही है। भाई अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड मेरा बिल्कुल पेट भर गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने होटल, यहाँ से मेरा होटल लगभग वो है 800 meters, तो वॉक हो जाएगी अच्छी खासी। तो चलो, तो भी मम्मा यहाँ पे माता जी की मूर्ति लेने आई हैं, साथ में मैंने घंटी भी परचेज करी है एंड साथ में मैं ये अपनी कार के लिए परचेज करूँगा। तो अभी बहुत सारी यहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखो। और मैं आ गया अपने रूम में वापस और ख़त्म करता हूँ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड गाइस, शॉप करो टीशर्ट्स फ्रॉम ypsm.com। एंड गाइस वैसे भी आने वाले हैं शॉर्ट्स एंड स्निकर्स बहुत बहुत जल्दी, इसके स्टे ट्यून्ड। एंड बाकी जो टीशर्ट्स हैं इनमें भी आने वाले बहुत कूल डिजाइन, बहुत जल्दी इसके स्टे ट्यून्ड। एंड की विजिटिंग वेबसाइट जो की है ypsm.com, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एट द टॉप। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आईडी को देख लो स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि अपनी लाइफ में एक्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। फॉर दीज अपडेट्स मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आईडी इज ऑन द स्क्रीन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।